क्या एक सिर्फ ऐसे एक मोबाइल ऐप डाउनलोड करके फ्री में हम पायर नेटवर्क क्रिप्टो करेंसी कमा सकते हैं, और एक्चुअल में इसकी क्या वैल्यू होने वाली है? जानेंगे पायर नेटवर्क का असली सच, क्या ये बिटकॉइन की तरह नेक्स्ट बिग थिंग हो सकता है क्रिप्टो में, या ये भी एक स्कैम है? तो शुरू कर देते हैं। एक्चुअल में मैंने पाई ऐप क्रिप्टो करेंसी डाउनलोड किया, वैसे अभी रिसेंटली मार्च 15 को इनको पाई डे हुआ था, और ये 3 साल हो गए इस प्रोजेक्ट को शुरू हुए। तो जैसे आप अपने डिटेल्स डालते हो, लॉगिन डालते हो, ये सबसे पहले आपको एक रेफरल यानी इनवाइट कोड मांगता है, तो वो आपको नेट पे मिल ही जाएंगे। आजकल हर कोई पाई नेटवर्क क्रिप्टो करेंसी को रेफर करता है, तो वो रेफरल कोड डाल के आप एंटर कर सकते हैं। यहाँ पे जब आप एंट्री लेंगे, यहाँ पे ये जो लाइटनिंग वाला बटन है इसको दबाएंगे, तो इसमें ये बताएगा कि भैया आपका जो टोटल माइनिंग रेट है वो 0.0237 पाई पर आवर है। अब इसमें एक पाई की क्या वैल्यू है वो किसी को पता नहीं है, बट मेन आपको समझना पड़ेगा इनके करीब 33 मिलियन से भी ज़्यादा यूज़र्स हो चुके हैं। और पहले हम अगर इनके फाउंडर्स के बारे में जानें, ये आती है इनकी कोर टीम। अब कोर टीम में आ जाते हैं इनके डॉक्टर निकोलस, जो कि स्टैनफोर्ड PhD हैं, तो काफ़ी पढ़ाई करी है। अब इनके बारे में काफ़ी डिटेल्स लिखी हुई हैं। एक्चुअल में आप देखोगे मोस्टली पाई नेटवर्क के बारे में जो भी वीडियोज़ हैं, जो कि बहुत ही कम वीडियोज़ हैं, उनमें ये निकोलस साहब ही होते हैं। लिंक्डइन में इनकी प्रोफाइल है, बट वहाँ पर पाई नेटवर्क का कुछ मेंशन नहीं है, जबकि ट्विटर और इंस्टाग्राम में इन्होंने मेंशन किया हुआ पाई नेटवर्क के बारे में। अब अगर हम डॉक्टर शिंगदाओ फान के बारे में पढ़ें, अब ये भी स्टैनफोर्ड ग्रेजुएट हैं, बट इंटरेस्टिंग बात ये कि इनके बारे में बहुत कम डिटेल्स अवेलेबल है, मतलब लिंक्डइन ट्विटर इंस्टाग्राम में इनका प्रेजेंस है नहीं, और बहुत ही कम वीडियोज़ में ये हैं। तो एक्चुअल में पढ़ा था कि यार ये शायद हस्बैंड वाइफ हैं, तो इनकी टीम है, प्लस और भी मैंने कुछ वीडियोज़ देखी जहाँ पे मुझे पता चला कि इनकी टीम अब 30 लोगों से ज़्यादा हो चुकी है। अब भैया 30 लोग काम कर रहे हैं 3 साल से, कुछ तो बनाया होगा, तो पहले इसका बेसिक कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। तो अगर हम इसके लिए इसके वाइट पेपर में जाते हैं, तो यहाँ पता चलता है कि यार ये बोल रहे हैं कि प्रॉब्लम जो फर्स्ट जनरेशन क्रिप्टो करेंसी जैसे कि बिटकॉइन में है, वो ये कि यार उसके लिए माइनिंग करना पड़ता है, और माइनिंग के लिए आपको बहुत बड़े बड़े माइनिंग रिग्स और मशीन चाहिए होते हैं, जो कि सिर्फ बहुत अमीर लोग या बड़े कंपनीज ही अफोर्ड कर सकते हैं। तो इससे होता क्या कि यार ये जो क्रिप्टो करेंसीज है, जिसका एम था कि यार डिसेंट्रलाइज करना, ज़्यादा से ज़्यादा लोग पैसों को कंट्रोल करें, ना कि गवर्नमेंट्स और बैंक कंट्रोल करें, एक्चुअल में क्रिप्टो करेंसीज का कंट्रोल बड़ी बड़ी कंपनीज और अमीर लोगों के पास ही आ जाता है। तो एक्चुअल में प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रही। तो उन्होंने क्या बोला कि यार हमारा जो क्रिप्टो करेंसीज है पाई नेटवर्क, इसमें मोबाइल से ही माइनिंग कर सकते हो, और ये करेंसी फॉर द पीपल बाय द पीपल है। फंडा काफ़ी अच्छा है। अब फिर इन्होंने अपना मिशन विजन लिखा है और सारी स्टोरी बताई है कि भाई क्या प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स हैं, क्यों ये सॉल्व कर रहे हैं। बट मेन जो सवाल आता है कि यार ये बना तो रहे हैं अपना पाई नेटवर्क, बट इसका एक्चुअल यूज़ केस क्या होगा? मतलब हमेशा ही अपने आपको बिटकॉइन से कंपेयर करते हैं कि भैया हाविंग होता है, और फिर जैसे बिटकॉइन माइनर्स को रिवॉर्ड मिलता है, वैसे आपको मोबाइल ऐप से पाई नेटवर्क कॉइन्स के रिवॉर्ड मिलेंगे। बट एक्चुअल में वो पाई नेटवर्क कॉइन्स का हम करेंगे क्या, इसके बारे में उन्होंने ज़्यादा डिटेल्स नहीं दी कि क्या ये करेंसी की तरह यूज़ होगा, या ये स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट प्लेटफॉर्म बना रहे हैं, या कोई स्पेसिफिक यूज़ केस सॉल्व करेगा, उसके बारे में ज़्यादा डिटेल्स है नहीं। अब आप ऐप डाउनलोड करते हो, आपको करना कुछ नहीं है इसमें, सिर्फ ये लाइटनिंग वाले सिंबल में क्लिक कर देना है, ये आपको माइनिंग रेट बता देगा। और इसके बाद अगर आपको और ज़्यादा तेज़ी से माइन करना है, तो एक तरीका है लॉकअप करने का। तो लॉकअप बेसिकली आप स्टेकिंग वाला कॉन्सेप्ट की तरह समझो, कि जिसमें आप क्रिप्टो करेंसीज स्टेक करते हो एक पूल में, और उसके बदले में आपको एक्स्ट्रा क्रिप्टो करेंसीज मिलते हैं। तो पता नहीं यार, ऐप तो खोला हुआ है आपके सामने, देखो चल नहीं रहा है, मतलब भैया स्टैनफोर्ड के लोग बना रहे हैं और ये देखो ऐप ही नहीं चल रहा, क्या करें यार। अब एक्चुअल में अगर आपको और ज़्यादा कमाना है, तो इनका बेसिक फंडा है कि भैया आप और लोगों को इनवाइट करो। तो यहाँ पर तभी आप देखोगे कि मेन स्क्रीन में भी ये हमेशा लिखते हैं कि भैया ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इनवाइट करो, और ये देख के आपको लगता है कि यार कहीं ये वही मल्टी लेवल मार्केटिंग वाला फंडा तो नहीं अपना रहे कि यार आपके नीचे 2 लोग होंगे, उसके नीचे 2 लोग, उसके नीचे 2 लोग, और सब बैठ के कमाएंगे, या फिर कहीं ये कोई एफिलिएट मॉडल तो नहीं बना रहे। बट इसमें दिक्कत आती है कि यार एफिलिएट मॉडल हो या मल्टी लेवल मार्केटिंग हो, उसमें एक्चुअली कुछ प्रोडक्ट तो होता है बेचने के लिए, यहाँ पर तो यार इन्होंने कुछ बनाया नहीं है। मतलब ये ऐप खोल के इंसान करेगा क्या, बस इस लोगों को देख के खुश होता रहेगा और ये नंबर अपना बढ़ता रहता है। मतलब क्या यार ऐसे अगर नंबर बढ़ता रहा तो ऐसे मैं अमीर बनता रहूँगा। और सबसे चौंका देने वाली बात है कि यार ये पाई का नंबर बढ़ तो रहा है, बट इस पाई की एक्चुअल में वैल्यू है नहीं, क्योंकि कोई प्लेटफॉर्म में तो लिस्टेड नहीं है, कहीं पर इसकी ट्रेडिंग तो हो नहीं रही है 3 साल बाद भी, तो एक्चुअल में इसका वैल्यू पूरा 0 यानी अंडा ही है। और चीज़ें देखते हैं कि यार इनका जो मेननेट है, जिसमें एक्चुअल में क्रिप्टो करेंसी बनेगा, वो अगर आप खोलोगे तो ये बताएगा कि भैया आपका अनवेरीफाइड बैलेंस कितना है, और वेरीफाई करने के लिए आपको KYC करना पड़ेगा। भैया मतलब सब वेरीफिकेशन हम कर लें, ये नहीं बताएंगे कि यार एक्चुअल में काम क्या कर रहे हैं, हमारी सारी इन्फॉर्मेशन आप ले लो, उसके बाद ट्रांसफरेबल बैलेंस
बता रहे हैं कि इतना बैलेंस हम मेननेट पे ट्रांसफर कर सकते हैं, बट अभी तक मेननेट बना नहीं है। वॉलेट बैलेंस में कमिंग सून है, लॉक्ड अप बैलेंस तो हमने भाई कुछ लॉकअप किया ही नहीं है। अब यहाँ पे वाइट पेपर अवेलेबल है जहाँ पे और ज़्यादा डिटेल में मेंशनड है, और जहाँ पे इसमें लिखा है कि यार मैक्सिमम सप्लाई 100 बिलियन कॉइन्स की हो सकती है। बताओ, इसमें 80% कम्युनिटी के पास रहेगी और करीब 20% इनके कोर टीम के पास रहेगी। इंटरेस्टिंग बात यह है कि ऐसे दो जनों के अलावा हमको पता ही नहीं है कि इनके कोर टीम में है कौन। और इसमें भी यार जो 80% कॉइन्स होंगे वो अभी तक कितने एलोकेट हुए हैं, फंडा यही है ना कि अभी तक एक्चुअल में ये जो नंबर दिखा रहा है ये एक्चुअल में क्रिप्टोकरेंसी है ही नहीं मेरे हिसाब से। अब भैया बताएगा कि भैया कितना रेफरल है, अब हमने तो किसी को रेफ़र किया नहीं क्योंकि हमें खुद ही भरोसा नहीं है इसके ऊपर। अब यूटिलिटीज़ में जाके देखते हैं, शायद उन्होंने लिखा हो कि यार क्या काम करता पाए। वहाँ जाते हैं तो भैया आ जाता चैट का बटन, और जब चैट के बटन में देखते हैं कि यहाँ भी जो चैटिंग हो रही है, मुझे लगता नहीं कि यार उनके कुछ ज़्यादा मॉडरेटर्स अवेलेबल है इस चैट में। लोग खुद ही कन्फ्यूज हैं कि भैया कब ऑफिशियली लॉन्च होगा, आप तो बता दो, 3 साल हो गए। यहाँ एक भैया बोल रहे हैं कि भैया हमने अपने एक्स को इनवाइट कर दिया, अब हम रिमूव नहीं कर पा रहे हैं। ब्रेनस्टॉर्म में भी यार फिर ये पता नहीं सर्वर इज़ ओवरलोडेड, कितने लोग ये ऐप यूज़ कर रहे हैं। अच्छा, यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि यार जो पायनियर्स है, मतलब जो पाय नेटवर्क यूज़ कर रहे हैं, वो बताएंगे कि भैया हमको क्या क्या प्रोजेक्ट्स रन करना है। तो कोई बिजनेस ऐप्स होंगे, इकोसिस्टम ऐप्स होंगे। यहाँ पे बोल रहे हैं यार एक फ्रीलांस मार्केट प्लेस बनाएंगे और मॉल बनाएंगे जिसमें NFT बेच सकते हैं, चैंपियनशिप बनाएंगे। देखो यार बहुत सारे यूज़ केसेस दे रखे हैं, बट फंडा यही है कि यार 3 साल हो गए, 30 जन काम कर रहे हैं, क्रिप्टो करेंसी लॉन्च हुई नहीं है, मेननेट बनानी है, तो यार ये गेम प्लेटफॉर्म बाटर मॉल ये सब सपने दिखाने का क्या फ़ायदा है, कुछ तो लॉन्च करके दिखाओ। और बोल रहे हैं कि यार अपना आइडिया भी प्रपोज करो। रहन दो भैया, जो बना रहे हो वो तो बना लो पहले। अर्न पाई में देखते हैं, अच्छा रेफर जितना करोगे उतना ज़्यादा अर्निंग बढ़ेगी। अरे मेननेट में अगर हम मेननेट चेकलिस्ट में जाते हैं कि यार जब मेननेट आएगा ट्रांसफ़र करने के लिए क्या क्या चीज़ें करनी पड़ेगी। पाय ब्राउज़र ऐप हमने डाउनलोड कर लिया है, पाय वॉलेट बनाना है वो अब तक बनाया नहीं है, और कन्फर्म पाय वॉलेट करना है। और ये देखो भैया ओनरशिप की स्पेलिंग देखो, मतलब स्टैनफोर्ड ग्रेजुएट्स ने ये ऐप को बनाया है, 30 इनके एम्प्लॉई है। ओनरशिप की स्पेलिंग देखो, समझ आता है कि शायद 3 साल में काम नहीं हुआ होगा, बट एक्चुअल में आपका रोड मैप क्या है और कब तक क्या क्या चीज़ें लॉन्च होगी, वो मेननेट कब लॉन्च होगा, टेस्टिंग कब लॉन्च होगा, ये वॉलेट ये सब चीज़ें लॉन्च कब होगा, उसका कोई अप्रॉक्सीमेट टाइमलाइन ही नहीं दिया है। मतलब इनसे तेज तो यार जो बैंक में काम करते हैं या जो सरकारी जॉब करते हैं वो करते हैं। जितना मुझे समझ आया कि यार एक्चुअल में ये कोई क्रिप्टो करेंसी है नहीं, इनका फंडा है कि यार ये जो नंबर है एक्चुअल में जब क्रिप्टो करेंसी लॉन्च करेंगे जिसके पास जितना ज़्यादा पाय नेटवर्क के कॉइन्स होंगे उसके हिसाब से वो पाय नेटवर्क कॉइन्स एलोकेट होंगे। बट यहाँ पे लिखा है कि यार अगर KYC सही से नहीं करी तो आपके जो पाय नेटवर्क कॉइन्स हैं वो शायद आपको मिलेंगे नहीं, तो भैया वो सब भी देखना पड़ेगा। और बेसिक फंडा आता है कि अरे फ्री में आपको कोई कॉइन क्यों ही देगा, और आपने वो डायलॉग सुना होगा इफ़ यू आर नॉट पेइंग फॉर द प्रोडक्ट यू आर द प्रोडक्ट, मतलब अगर आप कोई चीज़ के लिए पैसे नहीं दे रहे हो एक्चुअल में आपको ही बेच के वो कंपनी पैसे कमा रही है। बट फंडा यही है ना कि यार इनका तो कोई प्रोडक्ट ही नहीं है, ये क्या काम करेगा वही नहीं है, तो इसमें तो कुछ प्रोडक्ट सर्विस कुछ बनाया नहीं है, तो एक्चुअल में बेच क्या रहे हैं। ऐसा हो सकता है कि शायद ये हमारा डेटा बेच रहे हो, मतलब बात ये है ना कि यार स्टैनफोर्ड के ग्रेजुएट्स हमारा डेटा बेच के पैसा कमाएंगे क्या, पता नहीं यार ये क्या बना रहे हैं। कुछ लोग बोलेंगे भैया एयर ड्रॉप में भी तो यार फ्री में क्रिप्टोकरेंसी मिलती है, तो भैया एयर ड्रॉप में भी उन्हीं लोगों को क्रिप्टोकरेंसी मिलती है जो कि एक्चुअल में वो क्रिप्टोकरेंसी का जो प्रोडक्ट या सर्विस है उसको फ्रीक्वेंटली यूज़ कर रहे हैं। और मेन है कि यार ये सोशल मीडिया चैनल्स पर अपना ज़्यादा अपडेट भी नहीं करते हैं, और एक्चुअल में क्या प्रोग्रेस हुआ है उसके बारे में भी कुछ बात नहीं करते हैं, ज़्यादा इनके इंटरव्यूज़ और ये सब चीज़ें भी अवेलेबल नहीं है। तो मुझे तो डाउट हो रहा है और मुझे लग रहा है कि यार स्कैम हो सकता है, बट आप एक्चुअल में बाद में आके सही में एक क्रिप्टोकरेंसी बना दें, सही में कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करें, तब बात अलग है। बट मैं तो रेकमेंड करूँगा कि भैया इसको यूज़ करने का कोई फ़ायदा नहीं है, आने दो एक बार मार्केट में, देखते हैं क्या डिमांड या सप्लाई क्या है, क्या प्रॉब्लम है सॉल्व कर रहे हैं, और उसके बाद देखेंगे कि यार इन्वेस्ट करना है कि नहीं। आप लोग बोलेंगे कि भैया अभी भी तो यार हम कुछ दे नहीं रहे हैं, हमसे पैसे थोड़ी मांग रहे हैं। बात सही है, बट यार आपका टाइम तो जा ही रहा है ना, और टाइम की कुछ तो कीमत होगी, और फालतू में आपने एक ऐप डाउनलोड करके रखा है, तो इसीलिए यार मैं तो इसको डिलीट कर दूंगा, जब एक्चुअल में मार्केट में आएगा तब देखा जाएगा। और फ्री में यार अगर आपको क्रिप्टोकरेंसीज कमाने ही हैं, एक ब्रेव ब्राउज़र है, उन्होंने एक्चुअल में एक अच्छा खासा ब्राउज़र बनाया है, उसको यूज़ करोगे और उस ब्राउज़र में जो एड्स दिखेंगे उसके बदले आपको बैक टोकन्स मिलेंगे, तो ये सब ऑप्शंस अवेलेबल है ना, तो इसमें क्यों ही टाइम वेस्ट करना। और बाकी यार आजकल तो यार आप क्रिप्टोकरेंसीज में 100-200 हज़ार रुपये से अपना इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकते हो, तो फालतू की चीज़ों में जिसमें कोई प्रूफ नहीं है, इतना रिस्की है, क्यों ही टाइम वेस्ट करना। और वॉल्ट जैसा प्लेटफॉर्म है इसमें तो यार USDT में भी तो यार 12.68% का इंटरेस्ट रेट मिलता है, और एक्चुअल में आपको दिखता है कि यार इंटरेस्ट मिल रहा है, चाहे वो USDT में हो, बिटकॉइन में हो, इथेरियम में हो,
तो 100-200 हज़ार रुपये का क्रिप्टो करेंसी खरीद लो अगर आपको इतना ही ज़्यादा इंटरेस्ट है। वैसे वॉल्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, हमारे रेफरल लिंक से अगर आप डाउनलोड करते हो तो हमें जितना रेफरल इनकम होता है उसका 25% आपको वापस मिल जाता है, तो वो चेकआउट कर लेना। बाकी आप में से कितने लोग पाई नेटवर्क यूज़ करते हैं और आपके क्या व्यूज़ हैं, क्या आपको लगता है कि यार ये सही में सक्सेसफुल प्रोजेक्ट होगा या ये एक्चुअल में एक स्कैम है, अपने ओपिनियंस कमेंट्स में बताना। और हाँ यार, वीडियो पसंद आए तो अपने सारे दोस्तों के साथ शेयर कर देना, व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, हर जगह, ताकि वो फालतू की चीज़ों में टाइम वेस्ट ना करे, कुछ काम की चीज़ पर फोकस कर ले। और चैनल को पक्का सब्सक्राइब कर लेना और घंटा दबा देना ताकि आप कोई भी वीडियो मिस ना करें। आगे मैं सही स्टार्टअप बिजनेस मोटिवेशन और एंटरप्रेन्योरशिप रिलेटेड बातें करेंगे, तो जल्द ही मिलते एक नई और जानकारीपूर्ण वीडियो के साथ। धन्यवाद।